नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज गरियाबंद दौरा है। गरियाबंद जिले के राजिम जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, राजिम माता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुंगेली जिले के मोतिमपुर भी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, मोतिमपुर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद बिलासपुर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। तो राजधानी रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज कई जगहों का दौरा है। गरियाबंद का वो दौरा करेंगे, गरियाबंद जिले के राजिम में सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, जहां राजिम माता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं मुंगेली जिले के मोतिमपुर भी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, कार्यक्रम में मोतिमपुर में शामिल होंगे। और इसके बाद कार्यक्रम के बाद जो है वो सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर जाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का आज गरियाबंद दौरा है, इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, राजिम माता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद भूपेश बघेल बिलासपुर जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड आरके गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गांधी जी, आज सीएम भूपेश बघेल का कई जगहों का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं? भूपेश बघेल कई सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और रायपुर से वो इन जगहों के लिए निकलेंगे, जिसमें बिलासपुर, मोतीनगर और तमाम जगहों पर उनका कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए भूपेश बघेल जो पिछले कई दिनों से विकास कार्यों की सौगात देते नजर आ रहे थे, तो वो विकास कार्यों की सौगात तो यहाँ पे संभाग स्तरीय दौरा उन्होंने किया ही और उन्होंने विकास कार्यों की यहाँ पे सौगात दी। लेकिन आज का जो दौरा है वो विकास कार्यों के लिए नहीं है, आज का दौरा कुछ पहले से अलग है। इस दौरे में वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे, एक ही दिन में अगर देखा जाए तो दुर्ग भी हो जाएंगे, दुर्ग में एक जगह कार्यक्रम अटेंड करेंगे, फिर वो बिलासपुर भी उनको जाना है और राजिम भी जाना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजिम, मोतीपुर, मुंगेली और बिलासपुर, ये चार जगह है जहाँ दौरे वो आज उनका रहेगा। तो गरियाबंद जिला आ गया, फिर इसमें मुंगेली जिला आ गया, बिलासपुर जिला आ गया। तो इन जिलों में जो कार्यक्रम रखे गए उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जो कार्यक्रम है 11:30 बजे वो रायपुर से निकलेंगे, हेलीकॉप्टर से 12 बजे गरियाबंद जिले के राजिम पहुंचेंगे। वहां वो प्रदेश स्तरीय जो भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वो वहां शामिल होंगे। फिर 2 बजे वो मुंगेली जिले के लिए निकलेंगे, मोतीपुर, सरगांव, यहाँ पहुंचे वो अखंड नवदा रामायण समारोह में हिस्सा लेंगे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 3:30 में बिलासपुर जिले के उसलापुर पहुंचेंगे, जहाँ जैन इंटरनेशनल स्कूल मैदान में वो पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में वहां हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर ये धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें आज भूपेश बघेल शिरकत करते नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया गांधी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज गरियाबंद दौरे पर हैं, इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, राजिम माता जयंती समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद जो है वो बिलासपुर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। तो राजधानी रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का आज गरियाबंद जिले का दौरा है। मुंगेली जिले के मातिमपुर में भी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, इस दौरान वो कई कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद बिलासपुर भी सीएम भूपेश बघेल जाएंगे।